हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो मैं हूँ प्राची तो आज होली आने वाली है घरों में बनने लगती है तैयारियाँ होली की तैयारियाँ होने लगती है पकवान बनने लगते हैं तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारे भी बोल सकते हैं मठरी भी बोल सकते हैं मट्ठी भी बोल सकते हैं कुछ भी और उसके बाद मैं बनाऊँगी पालू शाही तो चलिए अभी पहले बना लेते हैं नमक पारे और मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ तो लेट्स तो ये डो मैंने रेडी कर लिया है पहले से अब मैं इसको बेल लेती हूँ अच्छे से तो सबसे पहले मैंने ली है मैदा और इसमें मैं ये आधा किलो का पैकेट है इसमें से मैं हाफ़ कर लूँगी लगभग ढाई सौ ग्राम मैदा मैं अपनी इसके लिए गूंथने के लिए रेडी कर लूँगी तो इसमें मैंने निकाल ली है अपने बर्तन में और अभी हम इसमें अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी एक चम्मच के आसपास और थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक इसमें हल्का ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा नमक पड़ जाता है तो थोड़ा तीखा लगता है और इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी थोड़ी रब करके अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी ये मेरा लगभग है डेढ़ सौ ग्राम के आसपास मैं इसमें देसी घी मिलाऊँगी और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी और आप देख रहे हैं इस तरीके से मिक्स करके हम इसमें मुट्ठी बाँधेंगे तो ये बनने लगेगा तो ये थोड़ा सा मेरा कम रह गया था मैंने डेढ़ सौ ग्राम पूरा कर लिया है इसको अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और आप देख रहे हैं कि इसमें मुट्ठी बनने लगी है अब इसको मैं हल्का सौ ग्राम के आसपास दूध मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मतलब गूंथ लूँगी तो ये मेरा सौ ग्राम के आसपास दूध है इससे क्या है हम इसको अब गूथ लेंगे आटे को तो ये हमारा डो क्या है बहुत सॉफ़्ट बनेगा और बहुत ही आ, क्रंची आएंगी जो हमारी मट्ठी है या मठरी है सेम है वो सारी बहुत ही आ, क्रंची आएंगी तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से गूथ लेंगे और इसको जितना अच्छे से गूँथेंगे उतनी ही अच्छी हमारी मठरियाँ बनेंगी तो आप देख रहे हैं इसमें हम अब मैं इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है तो इसमें मैं हल्का सा पानी का हाथ लगाऊंगी और इस तरीके से दोनों हाथों से अच्छे से इसको आ, मिक्स करके गूँथ लेंगे और एक अच्छा हल्का सा सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा डो और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग के लिए रख देंगे तो अच्छे से आप देख रहे हैं इस तरीके से पूरा चिकना हो गया है और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है बर्तन पे तो इस तरीके से इसमें चिकनाई निकलने लगेगी जब ये रेडी हो जाता है तो फिर उसको हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे आधा से एक घंटा के लिए तो अभी मैंने इसको साइड में रख दिया है तो हमारा ये डो एकदम सॉफ्ट हो गया और एक भी क्रैक नहीं आ रहा है आधा घंटा रखने के बाद अब मैं इसमें इस तरीके से हाथ से प्रेस करके और इसको बेल लूँगी अच्छे से बेलन से और यहाँ पर मैं बनाती हूँ सबसे पहले थोड़ी सी मट्ठी तो इसमें हम करेंगे इसको अच्छे से गोल सर्किल और इसको फिर हम कर लेंगे रोल तो फिर इस तरीके से मैंने रोल कर लिया है और ये देखिए अच्छे से रोल हो गया है अब हम इसको चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे और बना लेंगे छोटी छोटी लोहियाँ मतलब गोली तो उससे क्या है मेरी जो हाथ से दबाने वाली मटरी हैं वो रेडी हो जाएंगी तो ये हो गई हैं मेरी मठरियाँ है, रेडी अब इनको हम जितनी भी बनानी है मैं इस तरीके से ही सारी रेडी करूँगी और इस तरीके से मेरी एक तरह की जो मटरी या नमक पा हैं वो रेडी हो जाएंगी ये हमारी नमकीन रेसिपी है तो हमको इस इस तरीके से बनानी अब मैं इसमें दूसरी तरीके से भी आपको शेप्स बना के दिखाऊंगी कि हम एक ही डोसे अलग अलग तरीके से कैसे रेडी कर सकते हैं अपने नमक पारे तो अब चलिए हम दूसरी लोई लेते हैं और उसको इस तरीके से बेल लेते हैं इसको हम तीन चार बार फोल्ड करके बेलेंगे उसके बाद में अब इसको चाकू की हेल्प से हम चौड़ा चौड़ा कट कर लेंगे इस तरीके से स्ट्रैप में और फिर हम मैं एक लूँगी ढक्कन कोई भी आप ढक्कन यूज़ कर सकते हैं लोहे का प्लास्टिक का तो ये मैंने एक दवाई का ढक्कन लिया है इससे हम काजू की शेप में इस तरीके से हम कट कर लेंगे तो क्या है इससे क्या है काजू की बहुत अच्छी शेप आएगी और इनको जल्दी जल्दी से मैं कट कर लेती हूँ थोड़ी स्पी स्पीड मैंने बढ़ा दी है वीडियो की तो क्या है थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा तो आप बोर नहीं होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छी लग रही हो या आपके लिए काम आ रही हो तो प्लीज़ तो इस तरीके से मेरे सारे काजू हो जाएंगे रेडी और ये मैं मे, मेरा कैप हो जाएगा मेरे लिए यूज़फुल तो चलिए जल्दी से आप भी इकट्ठे कर लीजिए घर में कोई इस तरीके के वेस्टेज आप अगर यूज़ करते हैं अब हम तीसरा अपना पार्ट बनाएंगे तो तीसरी शेप में मैं इस तरीके से सेम पैटर्न यूज़ करूँगी मतलब लोई को इस तरीके से बेलूंगी और थोड़ा मोटा ही रखूंगी और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कट कर लेंगे तो ये हमारे तीन तरीके के नमक पारे हो गए रेठी अब मैंने गैस पे पहले से ऑयल चढ़ाया हुआ था लेना है क्या लेते हैं इसमें बोलो, नाम क्या है उसका नाम मिठरी मठरी हा आदू को ना है मठरी ये ऑयल हो चुका है गरम अब हम इसमें मटरिया चढ़ा देते हैं सबसे पहले और इनको बिल्कुल सिम आँच पर हमको आ, पकाना है या तलना है तो इस तरीके से देख लिए आप सिम आँच पर हम पका रहे हैं क्योंकि क्या है ये अंदर से फिर अगर हम जल्दी तेज आँच पर पकाएंगे तो उससे क्या है ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी क्योंकि थोड़ी ये होती है मोटी बनी हुई तो इनको हम जल्दी जल्दी से सिम आँच पर पका लेंगे तो मैं इसको यहाँ पर भी स्पीड अप कर देती हूँ तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने लगी है अब इसको हल्का सा और करेंगे हम और उसके बाद ये हो गई है हमारी रेडी तो इसी तरीके से हम नमक पारे और काजू भी उतार लेंगे और उसको हम थोड़ा सा मीडियम आंच पे भी पका सकते हैं क्योंकि वो थोड़े पतले बने हुए होते हैं तो इस तरीके से हमारे सारे नमक पारे और काजू वगैरह ये रेडी हो जाएंगे होली आने वाली है तो आप घर में ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही इजी है बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है जल्दी जल्दी बन जाता है तो अगर आप घर में अकेले रहते हैं तो भी आप इनको बना सकते हैं क्योंकि गुजिया बनाने के लिए तीन चार आदमियों की ज़रूरत पड़ती है बहुत जल्दी से बन नहीं पाती और फिर हम थोड़ा सा लेजीनेस भी दिखा देते हैं तो आप ये नमक पारे तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं तो ये हो गए हमारे नमक पारे भी रेडी और सारे हम उतार लेंगे अच्छे से काजू भी उतार लेंगे सेम इसी इसी तरीके से तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ ये होने वाले हैं गोल्डन ब्राउन और जल्दी से काजू भी हम बनाने लगते हैं और इसको अब हम करेंगे अच्छे से मैरिनेट बोले या कुछ मतलब इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर लाने के लिए जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं या अगर आपको नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक और मिर्च मिला के भी यूज़ कर सकते हैं इसमें मैं यहाँ सिंपल चाट मसाला मिलाऊंगी क्योंकि यहाँ पे आदू भी खाएगी और ये देखो आप मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये हो गए हैं बहुत ही क्रंची अब मैं इसमें से हल्का सा चाट मसाला मिला देती हूँ और फिर इसको हम चाय के साथ टी स्नैक की तरह सर्व कर सकते हैं और अब मैं शाम की चाय भी कर लेती हूँ रेडी जल्दी से और फिर मैं इसको बैठ के खाऊंगी क्रंची क्रंची अपने इस नमक पारे स्नैक के साथ तो चलिए आप भी आ जाइए चाय पे और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और एडवांस में हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चल